दामोदर दर्जी समाज के आराध्य गुरु टेकचंद महाराज के समाधि महोत्सव पर देपालपुर में विशाल यात्रा निकाली गई। यात्रा में हजारों की संख्या में समाज जन शामिल हुए। यात्रा का जगह जगह स्वागत सत्कार किया गया। इस यात्रा की सबसे खास बात ये रही कि यात्रा नगर में स्वच्छता का संदेश देते हुए चल रही थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। देपालपुर में बड़े हर्षोल्लास के साथ दामोदर दर्जी समाज के लोगों ने अपने आराध्य गुरु टेकचंद जी महाराज के समाधि उत्सव पर विशाल शोभा यात्रा निकाली, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान यात्रा का जगह जगह स्वागत भी किया गया। यात्रा के आगे बालिकाएं गरबा करती रहीं, वहीं युवाओं ने जमकर नृत्य किया। बता दें कि यात्रा की खास बात ये रही कि यात्रा के दौरान सड़कों पर जो गंदगी फैली थी उसे समाजजनों ने तुरंत डस्टबिन में डाला। मीडिया से चर्चा में वरिष्ठ समाजजन ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी यात्रा निकाली गई, जिसमें समाजजन के अलावा अन्य नागरिक भी मौजूद रहे। इसके तहत हमारे पूरे समाज द्वारा स्वच्छ भारत का संदेश भी दिया गया। नगर में जहाँ स्वागत मंच से अनेकों मंच से स्वागत हुआ कार्यक्रम का, उसमें कई जगह पर केले वगैरह फल फ्रूट भी वितरित किए गए थे। जो लोगों द्वारा कार्यक्रम में शामिल जो लोग थे उनके द्वारा छिलके वगैरह सब डस्टबिन में साथ में रखा हुआ था उसमें ही डाला, सड़क पर कचरा नहीं किया गया। नव गुजराती दर्जी समाज देपालपुर द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी समाज के आराध्य देव श्री श्री 1008 गुरु टेकचंद जी महाराज का 208वां समाधि महोत्सव देपालपुर में धूमधाम से मनाया गया। आज सुबह मोदी मांगलिक भवन देपालपुर से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः धर्मशाला पहुंची, जहां पर गुरु महाराज की महाआरती कर आगामी वर्ष में समाज की धर्मशाला बनाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 13 अक्टूबर को सभी समाज बंधु समाज के आराध्य देव गुरु टेकचंद जी महाराज के समाधि महोत्सव को मनाने के लिए गुरुधाम कड़सा जाएंगे। कुल मिलाकर दामोदर दर्जी समाज की यह यात्रा धार्मिक भावना से ओतप्रोत होने के साथ ही स्वच्छता का संदेश देती हुई नगर से निकली। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, देपालपुर।